प्यारे बहनों भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे छोटी सी गुजारिश की जाती है, अगर आपको लगता है कि आपका चलता हुआ रिस्क बंद हो गया है तो उसके लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पर कोई जिन्नात या कोई इस किस्म का साया है या आपके घर में कोई इस किस्म की परेशानी है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और आज जो मैं आपको अमल बताऊंगी उससे पहले एक बात कहूंगी कि मैंने नक्श के बारे में बात की थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप लेना चाहते हैं वो नक्श, जो मुकलीन का वो नक्श होता है, ठीक है, वो नक्श इंशाल्लाह आपको जरूर सेंड कर दिया जाएगा अगर आप लेना चाहते हैं। लेकिन उसका थोड़ा सा हदिया है इजाजत का। अगर जो भी आपको अमल हम बता रहे होते हैं या वजीफा जो हम आपको बता रहे होते हैं, एक बात याद रखें, इजाजत बहुत जरूरी है। ये कोई आम वजीफे आपके साथ शेयर नहीं किए जा रहे, बहुत बुलंद वजीफे हैं। इजाजत बहुत जरूरी है, आप इजाजत लेके ही जो है वजीफा कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह जरूर आप कामयाब होंगे। आपने एक सफ़ा ले लेना है, सादा सफ़ा हो, काला मार्कल हो। अब आपने लिखना क्या है उसके अंदर, एक खाना बना ले, जैसे एक मरकब खाना बना ले, यानी चौरस खाना बना ले, ठीक है, चौरस खाना। तो जिसको आप मुसख़र करना चाहते हैं, जिसको आप मुसख़र करना चाहते हैं उसका चारों कोनों पे नाम लिखते हैं। अगर उसकी वालदा का नाम भी पता है तो उसकी वालदा के नाम के साथ लिखते हैं, ठीक है। अब आपने पूरे खाने के अंदर, पूरे खाने के अंदर कम से कम 50 मरतबा, या फिर आप लगा लें कि 50 मरतबा उसके अंदर सिर्फ क्या लिखना है, त्वा त्वा ता तोई त्वा, ठीक है। आप तोयें भी लिख सकते हैं और तुआ भी लिख सकते, तारीफ ता या फिर तोयें लिख सकते हैं, ठीक है। सारे हरूफ, मतलब कि उस डब्बे के अंदर पूरे आने चाहिए सारे हरूफ, इतना बड़ा खाना बनाए। उस नक्श को आप अपने तकिए के नीचे रख लें या अपने हाथ पे रख के सो जाएं, या फिर आप कुछ देर के लिए अपने, मतलब कि दिन के लिए आप उसको अपनी पॉकेट में रख लें, या फिर कुछ मतलब के वक़्त के लिए उसको आप अपनी बाजू पे बांध दें। जैसे जैसे ही आप, मतलब के ये आपका वक़्त गुजरता जाएगा, दिन गुजरता जाएगा, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप देखिएगा, ये वजीफ़ा करके देखें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक के करम से जो इसको आप मुसख़र करना चाहते हैं या जिसको आप बुलाना चाहते हैं अल्लाह के हुक्म से, वो आपके पास आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। इसी तरह का एक वजीफ़ा मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी, तो का वजीफ़ा कैसे लिखा जाता है और उसको कैसे पिलाया जाता है। तो आप ये वजीफ़ा करके देखें, बाजू के ऊपर बांध के देखें, कम से कम 3 से 7 दिन इंशाल्लाह आप बांधें, नहीं तो 21 दिन तक इसको बंधा रहने दें। जितनी आपने मोहब्बत की बेकरारी रखनी है या किसी अपने प्यारे को अपनी तरफ मुसख़र करना है, किसी रूठे हुए को मनाना है, बीवी अपने शोहरों के लिए और शोहर अपनी बीवियों के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन इजाज़त ज़रूरी है। अगर आपके ऊपर कोई जादू है या कोई जिन्नात का साया है या फिर आप इस्तखारा करवाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूर तशरीफ़ लाएं, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।